अपने विचार साझा करें। जोरदार नारियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय श्री संजय राउत जी का। ये 50 खोके हिंदी में क्या बोलोगे आप? पचास खोके और खोके वालों को ठोके। शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, व्यासपीठावरील शिवसेनेचे सर्व मान्यवर, सभी मान्यवर, आज मैं उद्धव जी के साथ ठाणे शहर में आया हूं। जे ठाणे शहर नुसतं ठाण्याचं नाव काढलं तरी माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद देगे यांच्या नावानं रोमांच उभे राहतात, हे ठाणे शहर आहे। ठाणे शहर म्हणजे ठाणे शहर का मतलब आहे निष्ठा, और कुछ नहीं। जिस ठाणे शहर ने शिवसेना को सबसे पहली सत्ता दी, भगवा झंडा लहराया, वो ठाणे शहर है। और जब हम इस गडकरी रंगायतन में आ गए, ये गडकरी रंगायतन भी बालासाहेब ठाकरे जी की देन है। और इस गडकरी रंगायतन में आज मैं देख रहा हूं राजन विचारे जी, मैं देख रहा हूं वही निष्ठा है, वही श्रद्धा है और वही ताकत है। ये माहौल देखकर मुझे लगा कुछ लोगों को जल्द ही ठाणा छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, और सिर्फ दो लाइनें बोलकर मैं मेरा भाषण खत्म करूंगा, इसलिए कि आप सभी लोग माननीय उद्धव ठाकरे जी का भाषण सुनना चाहते हैं। हम यहां आए हैं और आते रहेंगे, ये ठाणे शहर हमारा है, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं इतना ही कहूंगा, यहां से ठाणे शहर से एक ही संदेश दूंगा, हम तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, गद्दारों का राज बदलेंगे। और यह संदेश सिर्फ ठाणे शहर से ही देना जरूरी था, इसलिए हम सब लोग यहां ठाणे में आए हैं। और आपका आभारी हूं कि जिस संख्या में हमारे हिंदी भाषी कार्यकर्ता ने यहां बैठे हैं, आए हैं, बाहर भी खड़े हैं, मी त्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। ठाणे हे मर्दांचं शहर आहे, ठाणे हे मर्दांचं शहर राहिलं, दर्पोकांचं शहर म्हणून ठाणे कधीच आम्ही ऐकलं नाही, पाहिलं नाही। आनंद दिग्यांकडे पाहून आम्हाला नेहमी हिम्मत यायची, कोणतंही संकट असू द्या त्या संकटाशी सामना करत, मुकाबला करत माननीय आनंद दिघे हे बाळासाहेब ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलेलं आम्ही पाहिलेलं आहे। संकट आल्यावर जो पळून जातो तो नामर्द असतो, आणि मर्दांची फौज आपल्या समोर उभी आहे, मर्दों की फौज हमारे सामने खड़ी है। इसलिए फिर एक बार मैं यहां दोहराता हूं, गद्दारों का राज और गद्दारों का तख्त हम उध्वस्त कर देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मित्रों, जनता की आवाज को बेक